नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दौर था जब बाहुबली और माफिया की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त के साथ सियासी हवा और समीकरण दोनों बदल चुके हैं। यूपी की राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा जहां कोई भी बड़ा माफिया या बाहुबली चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपको ये कहानी विस्तार से बताते हैं, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक दौर था जब बाहुबली और माफिया की तूती बोलती थी, लेकिन वक्त के साथ सियासी हवा और समीकरण पूरा का पूरा बदल चुका है। यूपी की राजनीति में शायद ये पहला मौका होगा जहां कोई भी बड़ा माफिया या बाहुबली चुनावी मैदान में नहीं दिखाई दे रहा है। पूर्वी यूपी का जिला गोरखपुर और वहाँ की चिल्लूपार विधानसभा ऐसी जगह है जिसे माफिया बनाने की फैक्ट्री कहा जा सकता है। वहाँ के सबसे बड़े नेता और पूर्वी यूपी के सबसे बड़े बाहुबली में शुमार हरिशंकर तिवारी का निधन हो चुका है। उनके बेटे भीष्म शंकर तिवारी और विनय शंकर तिवारी राजनीति में सक्रिय हैं। भीष्म चुनाव में लड़ रहे हैं, ये विधायक सांसद भी रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर अपने पिता की तरफ बाहुबली का ठप्पा नहीं लगा है। गाजीपुर और मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दखल था, लेकिन उसकी भी मौत हो गई है। जौनपुर में धनंजय सिंह की बादशाहत चलती थी, लेकिन वो भी चुनावी मैदान से दूर है। हालांकि उनकी पत्नी श्रीकला भाजपा के टिकट पे जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट कट गया, जिसके बाद 3 बार के विधायक और 1 बार मछली शहर के सांसद रहे उमाकांत यादव की भी गिनती बाहुबलियों में होती है, लेकिन उसे भी उम्र कैद की सजा हो चुकी है, तो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। भदोही के बाहुबली नेता और 4-4 बार विधायक रहे विजय मिश्रा भी 15 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा अमर मनी त्रिपाठी भी चुनावी मैदान से दूर है। प्रयागराज अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के बिना कोई चुनाव देख ही नहीं पाता था, लेकिन दोनों भाइयों की हत्या ने प्रयागराज को भी बाहुबली मुक्त कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजीपुर और मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी का अच्छा खासा दखल था, लेकिन उनकी भी मौत हो गई। जौनपुर में धनंजय सिंह की बादशाहत चलती थी, लेकिन वो भी चुनावी मैदान से दूर है। हालांकि उनकी पत्नी श्रीकला भाजपा के टिकट पे जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने उतरी थी, लेकिन ऐन वक्त पे उनका टिकट कट गया। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।